birthday to you. तो यहाँ पर जो है अभी हम चावल ले लिए हैं, ज्यादा नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ही चावल लिए हैं और पहली बार बना रहे हैं तो पहले खाएंगे, देखेंगे टेस्ट कैसा लगता है, उसके बाद फिर ज्यादा बनाएंगे फिर कभी। और यहाँ पे सोयाबीन और आलू को बॉईल कर लिए हैं और इसमें प्याज है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मेरे सभी मित्र को जय श्री माता जी। तो यहाँ पर जो है अभी मैं बना रही हूँ सोया बड़ी, जो कि बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है और हम देखे हैं नेट पे, और हम जो है पहली बार बना रहे हैं सोया बड़ी, मतलब सोया बड़ी का सोयाबीन का सब्जी तो हम बनाए हैं लेकिन चावल के साथ एक साथ हम पहली बार बना रहे हैं। और यहाँ पर जो है हम कुकर में ही बनाएंगे क्योंकि जल्दी जल्दी में ही हमको बनाना है और अभी जो है खाने का टाइम है, दोपहर का ही टाइम है, तो सोच रहे हैं कि सोयाबीन का सब्जी और चावल बनाएं, लेकिन राजदीप को जो है देंगे सोयाबीन का सब्जी और चावल तो वो नहीं खाएगा, और अगर हम इस तरह बना के देंगे तो वो खा लेगा। तो हम जो है बिरयानी टाइप का ही बना रहे हैं, बिरयानी टाइप मतलब उसी तरह ही समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो है हम प्याज फ्राई कर लिए थे और इसमें जो है प्याज डालने से पहले हम तेल डाले थे, उसके बाद जीरा डाले थे, सूखी लाल मिर्च और तेज़पत्ता, फिर प्याज डाल दिए हैं, फिर मसाला डाले हैं और हम जो है चिकन मसाला डाले हैं इसमें, और सोया बड़ी आलू को जो उबाल के रखे थे उसको भी हम इसमें डाल दिए हैं और अच्छा से फ्राई किए हैं, और जीरा अदरक लहसुन ये सब तो पेस्ट बना लिए थे, और चावल जो है हम फूलने के लिए रख दिए थे तो चावल भी इसमें डाल दिए हैं। अभी जो है इसको ढक्कन लगा के, ज़्यादा नहीं, दो सीटी मारेंगे, उसके बाद तुरंत ही निकाल लेंगे, और अगर हमको अगर कुछ देर इसमें रख लेते तो अच्छा रहता, लेकिन हमको जो है ढक्कन लगा के दो सीटी मार के ही तुरंत ही हमको खोल देना पड़ा था। सबको भूख लग गया था तो इसी वजह से जो है हम रख नहीं पाए कुछ देर। तो यहाँ पर जो है अभी हम निकाले तो देख रहे हैं बन तो गया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है इसमें गीला टाइप का है, और अगर हम ढक्कन लगा के अगर रख देते तो शायद ये गीला जो है ये भी सूख जाता, लेकिन इसमें जो है अभी भी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गर्म मसाला डालेंगे, उसके बाद दे देंगे सबको खाने के लिए। आलू दिलाम ठीक আছে, তো জল জল একটু টাইম দিলাম না না একটুখানি ঠান্ডা হওয়ার জন্য। अभी शाम का टाइम है और हम आए हैं किचन में, तो सोच रहे हैं कि दूध रखा हुआ है तो आइसक्रीम क्यों नहीं बनाया जाए। तो यहाँ पर जो है हम आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ पे दूध उबाल रहे हैं, और थोड़ा सा दूध जो है हम निकाल के ठंडा कर लिए थे, उसके बाद इसमें कॉर्नफ्लोर दो चम्मच हम डाल दिए हैं और चीनी भी डाल दिए हैं, और साथ ही साथ जो है चाय भी बना रहे हैं। तो आइसक्रीम जो है जल्दी तो बनता नहीं है, आइसक्रीम बनाने में जो है बहुत टाइम लगता है। राजदीप को पूछ रहे थे कि चाय पियोगे, तो वो जो है थोड़ा मंदिर जा रहा है, और जया भी जिद कर रही थी कि हमको भी जाना है, तो हम बोले तुम भी चले जाओ। जया जो है कुछ दिन से हमको बोल रही थी कि बाबा मंदिर जाना है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि कब लेके जाएंगे, देखते हैं, बहुत जल्दी ही जाएंगे बाबा मंदिर, तो आप सबको भी जरूर दिखाएंगे हम लोग का यहाँ का देवघर का बाबा मंदिर। यहाँ पर जो है हम चाय भी बना रहे थे तो चाय बन चुका है, और बाहर जाके मतलब बाहर चाखा भी किधर है, तो रूम में ही बैठ के चाय पियेंगे। तो यहाँ पर जो है चाय ले लिए हैं, और चलिए चाय पीते हैं, तब तक ठंडा नहीं होगा इतना जल्दी, ठंडा होने में जो है अभी भी टाइम लगेगा, तो ठंडा करेंगे आइसक्रीम को, आइसक्रीम को मतलब जो अभी हम बनाए हैं दूध के साथ,
इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद उसको जो है हमको जो है यहाँ पे अच्छा लगता है, पीछे तकिया भी रहता है और यहाँ पे इसलिए यहाँ पे अगर कोई बैठता है हम बैठने नहीं देते हैं जल्दी, अगर कोई भी व्यक्ति है तो चलिए चाय पीते हैं, उसके बाद फिर आप सबसे बात करेंगे। गुड बी सैंडविच सैंडविच जया यहाँ पे बैठ के सैंडविच बनाएगी, उसका तैयारी कर रही है, मतलब सब्जी वगैरह काट रही है, सैंडविच बनाएगी। सैंडविच नारा दीजिए इसके। और यहाँ पे हम जो दूध आइसक्रीम बनाने के लिए जो दूध को उबाले थे तो यहाँ पे ठंडा तो हुआ नहीं है लेकिन गर्म है। कोनो तवा का भालो तवा ही अच्छे, थोड़ा सा और ठंडा होगा उसके बाद हम इसको जो है इसको पकड़ के ही हम फ्रिज में रख देंगे, अभी तो बहुत गर्म है, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद ही हम क्रीम को जो है अच्छा से फेटेंगे। देखिए यदि हो जाए ठीक टाइम मत ठंडा कनो बोलते पड़छी ना। जया यहाँ पे सैंडविच बना रही है, देखिए तेल दिए बोलबी तो ना घी दिए बेसी तेले करबी कि कम तेले इसमें क्या क्या है? इसमें पनीर है, पनीर है, कैप्सिकम, टमाटर मैंने नहीं दिया, मुझे नहीं पसंद। और यहाँ पे बनाएंगे सब्जी बनाएंगे, रात तो हो गया है। ये रहा परवल कोहरा, आलू तो काटे नहीं है, इसका सब्जी बनाएंगे और इसका भुजिया। और यहाँ पर जो है यहाँ पे है पुदीना का पत्ता जो कि चटनी बनाएंगे इसका। जो है यहाँ पे जो मसाला फ्राई कर रही थी, मसाला फ्राई हो चुका है और अभी जो है ब्रेड को ये तेल में की वाले पे सेकेगी, सेकेगी। तो पहले जो है टमाटर सॉस जो है थोड़ा सा लगाई है, टमाटर सॉस। उसके बाद इसमें मसाला डाली है और मसाला में जो है गोल्गी पाउडर और रेड चिली पाउडर डाली है। और उसके बाद देखिए इसके ऊपर क्या नाम है ये मसाला को डाल के फिर पनीर डाल के फिर इसमें फ्राई करेगी। हमको बोली कि मम्मी कर दो, अभी तुम करो। और हमको बोली भी है कि हम मोबाइल में जब देखते हैं कि शॉर्ट्स देखते हैं तो स्टूडेंट जो होता है कितना सुंदर आता है किचन में बना के चला जाता है, लेकिन हम आते हैं किचन में लेकिन हो ही नहीं रहा है, कब से लगे हुए हैं। हम बोले वो जो है वो एक मिनट का होता है तो उस तरह तो लगेगा ही। हाथ में गिरे तो ऐसे लो और हाथ धो। हम खाबो ना बेटा जबरदस्ती निखिल गया
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे जोया, हैप्पी बर्थडे टू यू। खा के देखो कैसा बना है, खा के देखो कैसा बना है। अरे आप पनीर, अरे सैंडविच का तो धज्जिया उड़ गया। स्वाद ने कर ना, स्वाद ले लेके खाओ तब ना पता चलेगा क्या क्या वो डाली है। दूध मिनट लगा सच में बहुत अच्छा बना है। और हमें नींद नहीं बोले, और हम पीस पीस वाचे और उठा वाचे, और हम जो है सारा वीडियो में बोलते हैं सच में अच्छा बना है, सच में अच्छा बना है, सही में अच्छा बना है। और अगर खराब बनता तो बोलते ही ना जया, लेकिन सच में अच्छा बना है, बहुत अच्छा। आप लोग तो सैंडविच खाते ही होंगे तो आप लोग को पता ही होगा, अगर जया जिस तरह बनाई है, अगर इस तरह बना के आप लोग खाए हैं तो पता ही है कैसा लगता है, नहीं लगता है। बहुत कुछ तो इसमें नहीं डाली है, वो चीज ये सब डालती है नारो भल लगता। जया अभी सैंडविच बनाई, हम भी खाए, जया कुसुम भी खाई, और सैंडविच खाने से पहले चाय और बिस्किट भी खाए, आप लोग तो देखे ही हैं। और सुबह में जो है हम नाश्ता बनाने के बाद फिर हम दोपहर में जो है थोड़ा सा ही चावल बनाए थे, सोयाबीन वाला चावल बनाए थे। तो फिर दोपहर में जो है हम खाना मतलब सब्जी इस टाइप का नहीं बनाए थे, सोचे फिर रात को बनाएंगे। तो कुसुम का पापा जो है आज जल्दी आ गए थे घर, तो आके फिर खाना मांगे हमसे, तो हम खाना तो बनाए नहीं थे क्या देंगे, तो हम बोले खाना हम तो बनाए नहीं है, हमको नहीं पता था कि आप आइएगा। तो बोला कोई बात नहीं, हमको चाय और ब्रेड दे दो। बोले कुछ कोई बात नहीं, बोले हाँ, बोले कि कोई बात नहीं, हमको चाय और ब्रेड दे दो। फिर हम सोचे कि नहीं ऐसे थोड़े ना होगा, कुछ तो बना के देना ही पड़ेगा। तो तब बज रहा था कितना, 5:30 बज रहा था, हमको टाइम पता नहीं, 4:30 उसी तरह होगा। तो हम जल्दी से कुकर में एक आलू, एक अंडा और चावल बना के दिए, और फिर घी डाल दिए चावल के ऊपर, तो खाए पेट भर के खाए। उसके बाद फिर कुछ देर के बाद फिर बाहर निकले, और बाहर जाके अभी आए, और अभी तो देखिए समोसा और मिठाई लेके आए। तो जैसे ही हम बोले क्या है इसमें, कुसुम का पापा को, तो बोले कि इसमें समोसा है। तो कुसुम जया की तरफ और जया कुसुम की तरफ दोनों एक दूसरे को देख रही है और इस तरह कर रही है, इस तरह कर रही है, मतलब क्या करे, सैंडविच खाए हैं अभी कहाँ रखे ये सब। मिठाई तो रह जाएगा 2-4 दिन भी, लेकिन समोसा जो है वो जो है उसके अंदर जालू रहता है, वो खराब हो सकता है। देखते हैं क्या करेंगे नहीं करेंगे, तो बाकी का वीडियो जो है कल आएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, और फिर जल्दी ही नया वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।